नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे फोन में किस तरह से वायरस आ जाते हैं और उन वायरस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं बिना अपना पर्सनल डाटा को खोए। दोस्तों जब भी हम फोन के वायरस से जुड़ी हुई बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है क्लीन मास्टर के ऊपर। क्लीन मास्टर जो कि काफ़ी पॉपुलर ऐप है इंडिया में और काफ़ी लोग आप में से भी उसको यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि क्लीन मास्टर एप्लीकेशन जो है जो एंटीवायरस का काम करती है उसके ऊपर जो है इंडिया में बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है, आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों क्लीन मास्टर जो है वो चीता मोबाइल की एप्लीकेशन है, चीता मोबाइल एक कंपनी है जिसका काम क्या होता है, वो आपके डाटा को बाहर की कंपनीज़ को बेचती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप क्लीन मास्टर को अभी तक यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप उसे अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में जो बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है और आपके फ़ोन को वो अच्छी तरह से वायरस से क्लीन कर देगी, यानी कि वायरस फ्री कर देगी आपके फ़ोन को। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है और बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, तो ये आपके फ़ोन से सभी तरह के वायरस को रिमूव कर देगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरस हमारे फ़ोन में आ कैसे जाते हैं। दोस्तों देखिए, हम कई तरह के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो तो देखिए मैं आपको कोई एप्लीकेशन पहले दिखाता हूँ तभी आपको अच्छी तरह उसको समझ में आ पाएंगे। मान लीजिए मैं मन्नापुरम, चलिए कोई दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये टॉर्च लाइट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो टॉर्च लाइट जब मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी गलती कहाँ से होती है। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो देखिए मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये टॉर्च लाइट को मैं इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए, ये जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट, तो ये वेरीफाइड है, ठीक है। अभी मैंने इसको एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंस्टॉल नहीं करनी है। फिर भी चलिए ये हो गई, मैं आपको दिखा रहा था ये इंस्टॉल हो गई मेरे फ़ोन पे। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो जब भी आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो आप ज़रूर देखें। अगर किसी एप्लीकेशन पे वो चीज़ नज़र नहीं आती तो इसका मतलब वो ऐप जो है वो रिलायबल नहीं है, यानी कि उस एप्लीकेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर और उस फ़ोन का काम क्या होता है, उस एप्लीकेशन का काम क्या हो जाता है, वो हमारे फ़ोन से डाटा चुराने लग जाती है या हमारे फ़ोन में कई तरह के जो ट्रोजन मेलवेयर जो होते हैं, बहुत तरह के वायरस होते हैं, वो हमारे फ़ोन में भर देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। देखिए मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, आपको ये इंस्टॉल कर लेनी है, बहुत ही अच्छी और काम की एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा। तो जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ इनेबल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इनेबल नाउ के बाद क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्कैन का, तो आपको यहाँ स्कैन नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके फ़ोन को क्लीन कर दिया जाएगा। आपके फ़ोन की यहाँ पर छोटी से छोटी जो एप्लीकेशन या हम कोई फ़ाइल बना के रखते हैं या कुछ भी फ़ाइल हमारे फ़ोन में स्टोर हो जाती है, सभी चीज़ों को यहाँ पर स्कैन किया जाएगा। सिर्फ एप्लीकेशन को ही यहाँ पर स्कैन नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन के डाटा को भी साथ के साथ स्कैन किया जाएगा। कई बार होता क्या है, सभी एप्लीकेशन के साथ एक छोटे छोटे फोल्डर बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, हमारे फ़ोन में वो जगह भी घेरते रहते हैं। तो ये जो है उन फोल्डर, उन छोटी छोटी फाइलों को भी स्कैन करती है ये एप्लीकेशन, और अगर किसी तरह का यहाँ पर अगर शक होता है, किसी तरह का यहाँ पर वायरस का इनको पता चलता है तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपके फ़ोन में वायरस है, और यहीं से आप उस पर क्लिक करके उसको वायरस को रिमूव अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। आप चाहें तो इस जब एप्लीकेशन आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो नीचे लोगों के जो रिव्यू होते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन के बारे में जो लोगों ने बताया हुआ है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी हाई रेटिंग है इसकी, काफ़ी इसको पसंद भी किया जा रहा है मार्केट में। तो जब ये आपके देखिए स्कैन कंप्लीट हो जाए तो देखिए अभी यहाँ पर कोई थ्रेट यानी कोई यहाँ पर इनको खतरे वाली चीज़ नहीं दिखी। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, आपको भी इसी तरह से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ऐड खुल के मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया कि मेरे फ़ोन के अंदर कोई वायरस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझे जो है चीज़ बता दी गई है, ये हिंदी में आ रहा है, आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये समय समय पर चेंज होता रहता है। तो मेरा क्या एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो हैक किया गया है, यानी कि जो मेरे फ़ोन का जो वायरस था, इस तरह का मुझे चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ एक ऐड है। देखिए यहाँ पर ये ऐड दिख रहा होगा और ऊपर आपको दिख ही रहा है कि मेरा फ़ोन जो है वो सेफ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मेमोरी कार्ड को भी स्कैन करें तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड का एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने मेमोरी कार्ड को
यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेमोरी कार्ड पर क्लिक किया है, यहाँ से मेमोरी कार्ड से मेरा फ़ोन पूरी अच्छी तरह से, छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ होती हैं मेमोरी कार्ड में भी हम काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे भी ये स्कैन कर लेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डीप स्कैनिंग, यानी कि काफ़ी गहराई से आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे स्कैन किया जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर देखकर आपको बताया जाता है कि आपके फ़ोन में कोई वायरस है या नहीं है। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद आप इसको देखिएगा कि आपके फ़ोन के अंदर कोई वायरस कभी नहीं आएगा। अगर कोई वायरस है भी तो वो यहाँ से आप उसको आसानी से हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि आप किस तरह से अपने फ़ोन को वायरस से बचा सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और वो भी अपने फ़ोन को वायरस से बचा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।